जस्ट हम लोग के सामने एशियाटिक लाइब्रेरी, तो पीछे आप देख सकते हो कि वो साइड थोड़े अच्छे आएंगे बिकॉज वहाँ सब ऑलमोस्ट सेलिब्रिटीज वगैरह उधर फोटोज क्लिक करके इसके लिए। सो ये हॉर्नमैन सर्कल जैसे आप देख सकते हो, ये और भी आगे है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, यशवंत हियर एंड यू वाचिंग यशवंत द ब्लॉग। तो बेसिकली अभी हम लोग गए सी एस टी में एंड एक्चुअली आज हम लोग कुछ प्लान नहीं है। सो हम लोग ने दो प्लान डिसाइड किया था ब्लॉग करने के लिए, एक था फोटोशूट एंड दूसरा था गेटवे ऑफ इंडिया। तो हम लोग अभी गेटवे ऑफ इंडिया तो पहले जा चुके हैं, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि फ़ोटोशूट के लिए बेस्ट लोकेशन सी एस टी में कौन से, वो हम लोग आज के ब्लॉग में बताने वाले हैं। तो या फिलहाल तो अभी हम लोग शोरा बाजार के इधर है एंड कुछ काम है, उसके बाद हम लोग काम करने के बाद हम लोग सीधा जाएंगे लोकेशन पे। सी एस टी में कौन कौन से ऐसे फेमस लोकेशन है जहां आप लोग फोटो निकाल सकते हो वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो चलो, तो लोकेशन पे जाने से पहले अभी हम लोग के साथ है, अभी उसको एक्चुअल में भूख लगी, इसके लिए हम लोग ज़रा नाश्ता करने के लिए रुके हैं, मतलब मैं नहीं वो करने के लिए रुका है। ऑलरेडी मैंने सैंडविच खा के रखा है, तो इसने भी खाया बट इसको और भूख लगी है, इसके लिए अभी हम लोग इसका सैंडविच दे लेने के बाद जाएंगे लोकेशन पर। मैंने इसको बोला पर नहीं खाया इसने, नहीं बोल रहा डाइट 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 वे कैसा यूट्यूबर बनेगा। ओके, तो पहला लोकेशन जो हम लोग के लिए हेला बोलता छपरीपना, समझ ला छपरीपना ना, हेला बोलता छपरीपना, दिस इज नॉट छपरीपना। तो जो हम लोग का पहला लोकेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं फोटोशूट का, वो है एशियाटिक लाइब्रेरी। तो आपको दिखा देते हैं इधर लाइब्रेरी में कैसा फोटोशूट होता है सब। तो या चल पूरे, तो जस्ट हम लोग के सामने एशियाटिक लाइब्रेरी, तो पीछे आप देख सकते हो कि वो साइड में कोने में है एशियाटिक लाइब्रेरी। तो अभी हम लोग वो साइड जाएंगे एंड आपको बताएंगे एशियाटिक लाइब्रेरी। चलो फिर, तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हो एशियाटिक लाइब्रेरी है, तो हम लोग सुपर व्यू मोड पे हम लोग ने लिया बिकॉज हम लोग ने नॉर्मल पे शूट किया था तो इतना क्लियर आ नहीं रहा था एंड जैसे कि आप लोग देख ही लिया रहेगा एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि ऊपर फोटोज दिखा ले। एंड एक्चुअली यार सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो मोस्टली ट्राई करो प्लेस पे आओ एंड आपको फ़ोटोज़ क्लियरली आने हैं तो सुबह भी आ सकते हो। तो या अभी हम लोग एक दो फोटोज़ निकालते हैं एंड दूसरे लोकेशन पर भी जाने के। चलो, इधर 10-15 मिनट हो चुके हैं, हम लोग फोटोज़ निकालने का ट्राई कर रहे हैं बट इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना हम लोग को आना चाहिए था। फिर भी हम लोग देखेंगे और 5-10 मिनट रुक के कौन सा अच्छा फोटोज आते हैं कि नहीं। तो या और अभी हम लोग और देखेंगे दूसरे लोकेशन पे कौन से फ़ोटोज़ अच्छे आए इसके लिए, इधर वेडिंग शूट और प्लस जो पिक्चर के शूटिंग्स वगैरह पर होते हैं। सो अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करना रहेगा तो यहाँ आप आ सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको इधर के फ़ोटोज़ अच्छे आएंगे, अच्छे आते रहेंगे तो अच्छी बात है, वरना मेरे को इतना अच्छे नहीं आ रहे फ़ोटोज़ आई थिंक सो। तो यह अभी देखते हैं और 5-10 मिनट रुक के एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी में मोस्टली यहाँ वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट एंड रील्स वगैरह यहाँ मोस्टली बहुत ज़्यादा बनाते हैं एंड फ़ोटोज़ भी यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं एंड जो भी ये चीज़ों में इंटरेस्टेड है यू कैन विजिट इट। अभी हम लोग का एशियाटिक लाइब्रेरी का फोटो निकाल के सब हो चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सामने एक लोकेशन है, वो भी एक एक्चुअल में फेमस है शूट के लिए, तो हम लोग वो लोकेशन पे जाके अभी हम लोग
शूट करेंगे एंड फोटोज़ निकालेंगे एंड आपको बताएंगे कैसे आते उधर फोटोज़। आई गेस उधर थोड़े अच्छे आएंगे बिकॉज वहाँ सब ऑलमोस्ट सेलिब्रिटीज़ वगैरह उधर फोटोज़ क्लिक करते हैं इसके लिए। तो चलिए अपन वो साइड जाते हैं। सो जो हम लोग का जो सेकेंड लोकेशन है वो है हॉर्नीमैन सर्कल, जो एशियाटिक लाइब्रेरी के सामने ही है। एंड यहाँ पे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फोटोशूट्स होते हैं वो साइड पे भी एंड ये साइड पे भी। अभी एशियाटिक रुक वगैरह तो बेसिकली यहाँ पीछे फोटोशूट चल रहा था वेडिंग का, इसलिए हम लोग रुके थे। यानी अभी किधर हम लोग हॉर्नीमैन सर्कल के सामने ही है, तो आपको दिखा देते हैं वो हॉर्नीमैन सर्कल कैसा है। एंड यहाँ मोस्टली सब पीछे के शूटिंग्स भी होते हैं ये पार्ट पे। तो चलो आपको वो हॉर्नीमैन सर्कल दिखा देते। सो ये हॉर्नीमैन सर्कल जैसे आप देख सकते हो ये, और भी आगे है कंटिन्यू। एंड इधर मोस्टली सब फोटोज़ निकालने को आते हैं एंड जैसे कि आप देख सकते हो। अभी हम लोग इधर ट्राई करेंगे एक दो फोटोज़ निकालने का एंड आपको बताएंगे यहाँ फ़ोटोज़ कितने अच्छे आते हैं। तो एक्चुअली ये हॉर्नीमैन सर्कल 1821 से चालू किया था बनाने को, बट बीच में 12 इयर्स इसका बोल सकते हो काम रोक दिया गया, फिर वापस 1841 में इसका वापस काम चालू किया है। अभी आप देख सकते हो 1841 से लेके ये अभी तक कितना बढ़िया लग रहा है। एंड इधर मतलब ज़्यादा दिस इज नोन एज अ छपरीस, आई हेट। तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री, अभी हम लोग इसके फ़ोटोज़ निकालते हैं आपको बताते हैं फ़ोटोज़ कैसा आएगा फिर। एंड चलो और बाकी भी तो और बहुत कुछ करना है, तो विरल भाई प्लीज़ फ़ोटो निकालो हमारा। आई नो तुझे 4 बजे जाने का है, बट निकाल के जाते हैं। तो हम लोग ने अभी तक सिर्फ 2 ही लोकेशन कवर किया है बिकॉज अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट ही हो चुका है एंड अभी हम लोग घर पे ही जा रहे हैं मोस्टली। तो एंड देखेंगे रास्ते में और कौन सा अच्छा लोकेशन मिलेगा, तो हम लोग वहाँ भी एक ट्राई करेंगे कि वहाँ भी एक फ़ोटोज़ निकालें। बट फिलहाल के लिए हम लोग ने जो जो फ़ोटोज़ निकाले वो आप लोग अधिक लिए रहेंगे अभी। सो या अभी शायद ये ब्लॉग एंड करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एंड करें। आना कमेंट करके बताओ ये फ़ोटोज़ आपको कैसे लगे। मोस्टली मुझे हॉर्नीमैन प्लेस पे ज़्यादा फ़ोटोज़ अच्छे आए कंपेयर टू एशियाटिक लाइब्रेरी। इन दोनों में से मैं चूज़ करूँगा हॉर्नीमैन लोकेशन को, कि आप उधर जाके फ़ोटोशूट करो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे कंपेयर टू एशियाटिक लाइब्रेरी। एशियाटिक लाइब्रेरी में आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कर सकते हो, बट कैमरा चाहिए उसके लिए, गोप्रो लगता है। इतना अच्छे से वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतना क्लियरिटी प्रॉपर दे नहीं पाया जितना मुझे चाहिए था फ़ोटोज़ के लिए। तो इन एशियाटिक लाइब्रेरी एंड जो ये दूसरा लोकेशन था ना, उसमें बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आए थे। तो या अभी हम लोग ये ब्लॉग एंड करते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर। तो मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में।